गोरखपुर महानगर में इस समय अतिक्रमण अभियान जोरों शोरों पर है। इसी के तहत सड़क किनारे जितने पटरी व्यवसायी हैं उनकी दुकानों को भी हटाया जा रहा है, जिसके आक्रोश में पटरी व्यवसायियों ने आज पदयात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। वहीं नगर निगम पटरी व्यवसायियों को दुकान दिलाने का पंजीकरण भी करा चुकी है, लेकिन अभी तक पटरी व्यवसायियों को दुकान नहीं मिली और उनकी दुकानों को भी हटाया जा रहा है। वहीं आज इसको देखते हुए पटरी व्यवसायियों ने मंडल आयुक्त और नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर अपनी 5 समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। साथ ही पटरी व्यवसायियों की पहली मांग है कि राष्ट्रीय फेरी नीति के तहत भूमि आवंटन किया जाए, जिसमें गरीब पटरी व्यवसायी अपनी दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, और साथ ही उनकी अन्य और 5 मांगे भी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी पटरी व्यवसायियों पे विशेष नजर रही है। अभी यूनिवर्सिटी के मंच से भी उन्होंने कहा था कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न ना किया जाए, लेकिन यहाँ नगर निगम प्रशासन लगातार पटरी व्यवसायियों का यातायात के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पर में उत्पीड़न किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं अभी 16 चौराहों पे सड़कों का टेंडर करा दिया गया है, जबकि आप लोग जानते हैं कि सड़क पे कभी टेंडर पार्किंग की हो ही नहीं सकती, और सड़क पे नगर निगम कैसे पार्किंग का टेंडर कर सकता है, क्योंकि सड़क PWD की होती है। आज नगर निगम प्रशासन पूरे महानगर के पटरी व्यवसाय महानगर में पूरे पटरी व्यवसायियों का फार्म भरवा लिया गया है, जिसका 100 रुपया नगर निगम ने शुल्क भी जमा किया है, और अभी तक कई महीनों हो गए पटरी व्यवसायियों का आवंटन नहीं किया जा रहा है और इनको लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, लगातार उजारा जा रहा है। आज इसके विरोध में हम लोग अभी कमिश्नर साहब से मिलकर के इसको ज्ञापन देंगे, और अभी नगर निगम में जाकर नगर आयुक्त को भी ज्ञापन देंगे। जरूरत पड़ी तो ये सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे कि एक तरफ आप पटरी व्यवसायियों की बसाने की बात करते हैं और एक तरफ आपका शासन प्रशासन पटरी व्यवसायियों को लगातार उजाड़ रहा है।